हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको नूडल्स बनाना सिखाऊंगी। चलिए बनाते हैं। उसके लिए हमने ले ली है एक कढ़ाई, फिर उसमें पानी डाल दिया है। अब मैं इसे बॉईल होने दूंगी। ये देखिए, मैंने बॉईल होने रख दिया है। इसको थोड़ी देर बॉईल होने देना है, फिर उसके बाद हम इसमें नूडल्स डालेंगे। मैं ये वाले नूडल्स ले रही हूँ, आप चाहे तो दूसरे भी नूडल्स ले सकते हैं। मेरे पास ये है, इसलिए मैं ये ले रही हूँ। जब पानी में बबल्स आए, इसका मतलब समझ लेना कि पानी बॉईल हो गया है। फिर नूडल्स डाल देंगे। ये देखिए, अब हमें एक चम्मच नमक डालना है और 1 स्पून ऑयल। अब ऑयल डाल दिया है, अब इसमें थोड़ी देर और ऐसे ही रहने देना है। फिर हम इसमें नूडल्स डालेंगे। ये देखिए, ये भी इसको थोड़ा सा ऐसे ही रहने दो। फिर हम इसमें नूडल्स डालेंगे। इसको समर समर के डालना, कहीं आपका हाथ जल ना जाए। अब हम इसको बॉईल होने देंगे। बॉईल, फिर जब ये बॉईल हो जाएगा, जैसे मैगी होती है ना, उस टाइप का शेप आएगा। इसका मतलब ये बॉईल हो गया है। फिर हम इसको उठाएंगे और इसका पानी निकालेंगे और फिर इसको थोड़ी देर ऐसे ही रहने देंगे। फिर हम आगे को प्रोसेस करेंगे, तब तक हम इसे बॉईल होने देते हैं। ये देखिए ऐसा, अभी इसको थोड़ी देर और होने देना है बॉईल। फिर हम आगे की प्रोसेस बताएंगे, तब तक के लिए देखते रहिए लर्निंग पॉइंट विद चार्वी सिद्ध। ये देखिए अभी ऐसा है, तो अब थोड़ा सा पानी और डाल दूंगी ताकि वो नीचे चिपके ना और टेस्ट अच्छा हो। इसको मिक्स कर दिया, अब हम थोड़ी देर इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये देखो, नूडल्स हो गए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नूडल्स नहीं बने हैं, तो आप प्रेस करके भी देख सकते हैं। इसका एक छोटा सा हिस्सा निकालेंगे और उसको प्रेस करेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि हुआ है या नहीं। और अगर आपको पानी कम लगता है, तो आप एक लोटा और डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाला, ताकि चिपके ना। अब मैं गैस बंद कर दी। अब इसका सारा पानी निकालेंगे। ये देखिए, हमारे नूडल्स को अभी थोड़ा ठंडा होने दे रहा है, तब तक हमने इसमें ऑयल कर दिया है। ऑयल को थोड़ा गर्म होने दो, फिर हम आगे की प्रोसेस बताएंगे। ये देखिए, हम प्याज डालेंगे थोड़ी सी और शिमला मिर्च। ये देखिए, अब मेरी मम्मी प्याज डाल रही है। इसको थोड़ी देर ऐसे ही मिक्स करना है। थोड़ी देर मिक्स कर लिया, अब इसे ऐसे ही रहने देना और फिर मिक्स करना है। कलर लाइट ब्राउन हो जाए, इसका मतलब समझ जाना कि ये फ्राई हो जाए। और फिर हम उसके बाद शिमला मिर्च डालेंगे। और ये अकेले मत करना, कोई बड़ा हो तभी करना। जैसे कि मेरी मम्मी मेरे पास थी, तभी मैं कर रही हूँ। तो जितने भी बच्चे मेरे चैनल देख रहे हैं, उन सबको नूडल्स बहुत पसंद होंगे, है ना? अगर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब
हम इसमें शिमला मिर्च डाल रहे हैं। और अब हम इसे मिक्स करेंगे ताकि इसकी भाप बाहर ना आए। ये देखिए, मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो आप नहीं डालें, ये ऑप्शनल है। अब हम इसमें नूडल्स डालेंगे। जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? ये देखिए, रेडी हो गया है हमारे नूडल्स। मैं थी, तुम थी, कौन था? देखने से तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। कुकर में से चने अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना प्लीज। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े